13/7/2021 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर के आदेश संख्या 02/56/21 दिनांक 1/7/2021 के अनुपालन में संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1/2021 धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर से संबंधित अभियुक्त अजय कुमार जायसवाल पुत्र सत्य प्रकाश जायसवाल निवासी अधीनपुर थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर के द्वारा अपराधों से अर्जित की गई अवैध संपत्ति को जब्तीकरण का आदेश बाबत गाटा संख्या 24 मीटर अब्लिक 0.820 हेक्टेयर को जब्त अब्लिक कुर किया जाता है। इस पर आज से संपूर्ण अधिकारी सरकार का होगा। नमस्कार, मैं हूँ क्यूडी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज। आप जानते हैं कि योगी सरकार का जो डंडा है वो पूरे भ्रष्टाचारियों पर अब भारी पड़ रहा है। जगह जगह भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, कोई जेल के अंदर है तो कोई जेल के बाहर। और अभी आपने देखा है कि रेहरा ब्लॉक में यानी जो बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक कुर्की हुई है जिसमें अजय कुमार जायसवाल नामक व्यक्ति के ऊपर खाद्यान्न घोटाले का एक आरोप लगा था जो सिद्ध हुआ और उसमें गैंगस्टर एक्ट वगैरह लागू होने के बाद उस पर कार्रवाई हुई। इसी मामले में अनिल श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। तो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं अनिल श्रीवास्तव जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और खाद्यान्न घोटाले में कौन लोग हैं शामिल और कौन लोग हैं बचे हुए और किन लोगों पर हुई है कार्रवाई, उनके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे अनिल श्रीवास्तव से। श्रीवास्तव जी, आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा जिला और पूरा प्रदेश जान रहा है। खाद्यान्न घोटाले में कुछ आप कह रहे थे कुछ वक्त पहले कि इसमें इतने लोग अभी बचे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये 2018 में जो उस समय डीएम साहब थे, करुणा रूपेश साहब थे, तो उस समय डीएम साहब ने खाद्यान्न घोटाला में करीब ये 21 लोगों पर 420 467 468 471 का मुकदमा पंजीकृत कराया था। ये स्वयं जिलाधिकारी ने ये मुकदमा जो है दर्ज कराया था। और ये मुकदमे में मेन जो लोग थे, जैसे कि इसमें आप देखेंगे पहला नाम है अजय कुमार जायसवाल का, दूसरा नाम है कौशल कुमार दास और तीसरा नाम है वीरेंद्र कुमार दास, और इसी प्रकार से मनमोहन इनके जो बाबा वीरेंद्र दास के, तो 3-4 भाई ये हैं और बाकी उनके चेले चपाटे जो छोटे मोटे जो बाबा के सह पर काम किया करते थे उनके ये चेले चपाटे हैं, जिनके ऊपर ये करीब 21 लोग हैं जिनके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ था। 2-2 FIR दर्ज हुआ था। इन्हीं एफ आई आर को ही लेकर के जिला अधिकारी द्वारा गैंगस्टर लगाया गया था और उसी पे ये जो आपने अभी कुर्की हुआ है ये उसी का एक किस ईयर का मामला है? ये 2018 में खाद्यान्न घोटाले पर इसके अगुआ जो मेन रोल जिसका था वो बाबा वीरेंद्र दास हैं। परंतु आप इसमें खेल देखिए क्या है कि जो उसके बाबा वीरेंद्र दास के चेले चपाटे जो थे वो बेचारे फंस गए। अब बाबा पिछली खिड़की से अपने पैसे बल पे खिसक गए, ये आपको समझने की ज़रूरत है और जनता को भी समझने की ज़रूरत है और ज़िले के आला अधिकारियों को भी समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये मुकदमे दोनों दर्ज हो उसी पर जब गैंगस्टर लगा तो बाबा इसी मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक इनको रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा, मेरे पास उसके दस्तावेज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए निचली अदालत से अपनी बेल कराइए। बाबा ने जब देखा कि मेरा सुप्रीम कोर्ट तक के मेरे लिए दरवाज़ा बंद हो गया है तो उन्होंने बड़ी ही चालाकी से आईओ महोदय जो इसके विवेचक थे उनको खरीद लिया और खरीद कर करके अपना नाम ही FIR में से कटवा लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेन मुखिया ये आप देखिए इसमें ये देखिए सीधा आप आइए इस पर देखिए वीरेंद्र कुमार दास जो ये मेन जो इसमें हैं ये वीरेंद्र दास 21 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और ये सारे 3-4 भाइयों के अलावा ये 3-4 भाई इसमें मेन हैं। इस खाद्यान्न घोटाले में ये 3-4 भाई मेन हैं।
ये तीन चार भाई जो हैं ये मेन है, ये जितने लोग हैं ये सब उसके चेले चपाटे हैं, ठीक है। अब चेले चपाटों के ऊपर तो गाज गिर गई, मगर जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है वो अपने पैसे के बल पर छूट जाता। मैं इसको ओपन करवाऊंगा, मैं अग्रिम विवेचना इसकी करवाने के लिए डीएम साहब से गुहार लगा चुका हूँ, कप्तान साहब से गुहार लगा चुका हूँ, बड़े आला अधिकारियों से भी गुहार लगा रहा हूँ, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसमें इनके खिलाफ़ दोबारा अग्रिम विवेचना करा करके इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजूँगा मैं। एसडीएम तो कह रहे थे इस मामले में कि कोर्ट के आदेशानुसार जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे सब पर कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, तो इनका जब नाम ही नहीं है तो कोर्ट में फिर इनका मामला कहाँ से आएगा? यही तो हम आला अधिकारियों के बीच में रख रहे हैं। अभी आला अधिकारियों को इस बात का जानकारी नहीं है कि इन लोगों ने, ये बाबा वीरेंद्र दास ने क्या खेल कर दिया है। हम इसी बात को लेकर के बड़े आला अधिकारियों के बीच में अपनी ये सारी बात रख रहे हैं। इसमें जो विवेचक हैं वो भी जेल जाएंगे, जिन्होंने पैसा लेकर करके बाबा से जो मिली भगत बना करके नाम जो निकाला है वो भी इसमें जेल जाएंगे, इसमें बचेंगे नहीं। जो भी हो, लेकिन आप अपनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं इस पर तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है दो ही लोगों पर अटकी हुई है, तीसरा खुलासा आप कब करेंगे? नहीं, तीसरा खुलासा आज आप करवा लीजिए। अभी आप यहाँ पर नए नगर में देखिए, नए नगर का एक प्रकरण आपके सामने आया होगा, वो भी सरकारी 41-45 के अंदर में बाकायदा वो खाता संख्या 6 वो सड़क में दर्ज है, सड़क में दर्ज है, 41-45 में दर्ज है, मगर उसको डीजीपी साहब ने 419-20-67-68-471 का मुकदमा दर्ज किया है। ऐसा नहीं कि मैं इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ हूँ, जो भ्रष्टाचारी हैं सबके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, उठाता रहूँगा, और उनके खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। ऐसा नहीं है, कार्रवाई होगी। और इसमें मेन मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं कि देखिए, उनके पास भी जाइए बाबा से ये पूछिए, और आला अधिकारियों के पास भी आप लोग जाइए पूछिए, उन सारा मतलब सारी जवाबदेही मेरी ही नहीं है, मगर मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं ये अपने काम से मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं इस पे तो कर रहा हूं और मैं करूंगा। पर आप लोग भी थोड़ा सा इसमें अगर मेहनत करेंगे तो ये जो गरीब लोग हैं जो इसमें फंस गए हैं, जो बाबा के बहकावे में आकर के फंस गए बेचारा, उनका जो घर वर कुर्की हो गई है, वो उससे उनको राहत दिलाइए, क्योंकि मेन दोषी तो इसमें बाबा वीरेंद्र दास है, उनके भाई लोग हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सक्रियता दिखाएंगे, तो शायद बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ था, क्यों? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ जी। मैं इससे मुकर नहीं रहा हूं, मगर आप ये देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट ने तुरंत डीएम साहब ने मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कराया कि नहीं कराया? तो फिर बीजेपी की सरकार है, फिर डीएम साहब की एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो डीएम साहब बिल्कुल एक्शन लेंगे। डीएम साहब को मैंने ये पूरा प्रकरण ले जा करके दिखाया है, और डीएम साहब ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया है इस पे एक्शन होगा, अग्रिम विवेचना होगा।